सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन दोबारा से खेलने जा रहे हैं एक और बार माइनक्राफ्ट, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो यार। एंड आज मैंने लगाए हैं शेडर्स, जो कि अपने पुराने वाले शेडर्स लगाए हैं मैंने। देख सकते हो भाई कितना ऑसम लग रहा है अपना वर्ल्ड। एंड ऊपर सूरज को देखो भाई साहब, लिख के कितना बड़ा लग रहा है पहले से। एंड अभी मैं थोड़ी से 5-10 मिनट से मैं खेल रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली हैं, जैसे वीट ले आया हूँ, गैयाओं को खिला दिया। एंड यहीं कहीं मैंने फूड भी पकाने रखा था। यहाँ पे तो मीट पक ही रहा है, लेकिन यहीं कहीं मैंने फिश आई गैस नीचे वाली फर्नेस में लगाई थी। एक तो बड़ी दिक्कत आती है भाई इन्हें खोलने में। और हाँ, आज की वीडियो में अपन बनाने वाले हैं टाउन हॉल फॉर विलेजर्स। तो बताना ज़रूर कैसा बनाना है अपन को टाउन हॉल। मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं है यार टाउन हॉल बनाने का, सच्ची बोलूँ तो। बगल फिश कहाँ गई अपनी? रुकना है तो इसमें आएगा। अभी लग जा, ओके लग गया। एंड यहाँ पे ये अपने दो विलेजर्स जो कि बड़ी दिक्कत से हुए हैं अपने पास। एंड आज के पहले, सबसे पहले तो मुझे या तो ये पूरा विलेज जोड़ाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा अच्छा टाउन हॉल बना पाएंगे अपन। एंड ये नैदर पोर्टल भी अपन को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ, नैदर पोर्टल वगैरह तोड़ता हूँ मैं, एंड देन तुमको मिलता हूँ। ओके, अपन ने नैदर पोर्टल वगैरह साफ़ कर दिया। अब अपन को अपना ये फार्म भी हटाना ही पड़ेगा। अरे यार, तो पहले इसको बंद भी करना पड़ेगा इस पानी को। ओके, क्राफ्ट इधर ब्लॉक लगाते हैं लास्ट यहाँ पे, देन डन। अब इसको फटाफट तोड़ते हैं, ये पूरे फार्म को साफ करना पड़ेगा अपन को। चलो करते हैं। अब मुझे विलेज का याला वाला घर भी उड़ाना पड़ेगा, तो चलो उड़ाते हैं यार। भाई साहब रात देखो भाई कितनी प्यारी सी लग रही है, तारे वगैरह सब कुछ अच्छा है यार ये शेडर्स। चलो स्वीट ड्रीम्स गाइस। ओके, सुबह हो चुकी है एंड मैंने अभी एक पूरा घर, मतलब वुड रह गई है काफ़ी क्लियर करना है। एंड और ये भाई साहब, अपन को ये पाउंड भी भरना ना पड़ जाए यार, बड़ी दिक्कत होगी। नहीं तो अपन ऊपर से डटी भर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। ओके गाइस, अपना एक घर तो क्लियर हो चुका है, अपन पर बस इतना ही डट है यार। तो इसको तो अगर मैं ऐसे भी लगा दूँ तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन इसको भाई एक ही लेवल पे लाने के लिए लगानी पड़ेगा डट इधर भी। तो आ जाओ फटाफट लगाते हैं यार, अपनी डट भी ख़त्म इसके साथ ही। डट माइन करके लानी पड़ेगी, आ जाओ। एक काम करते हैं, अपन माइन करके लाते हैं। वैसे ही अपन को प्लेन तो करना ही है एरिया, तो यहाँ से माइन कर लेते हैं। ओके, अपन ने कुछ इतना कुछ एरिया क्लीन कर दिया। आ जाओ उस पाउंड को भी भर देते हैं, इस पाउंड को भी भर ही देते हैं लगे हाथ। ओके, इन्वेंट्री से अपन को 26 डर्ट भी निकालनी पड़ी, मतलब 25 जितनी भी थी। हाँ भाई, इस घर को भी क्लियर ही मार देते हैं वहाँ क्या है। ओके गाइस, मैं अभी वो घर क्लियर मारा जिसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है भाई साहब। एंड ये थोड़ा सा ना ग्लास रह गया है, इसको भी तोड़ ही देते हैं। एंड आ जाओ फटाफट ना ये फेंसेस वगैरह भी हटाते हैं यार। अब जो ये गाइस, मेरा काउ फार्म भी तोड़ना ही पड़ेगा, तो इसके अंदर की पहले काउज मार देते हैं सारी। ओके गाइस, आ जाओ फटाफट, आ जाओ एक भी नहीं छोड़, एक मिनट। अपन ये दो बच्चे, शिट कोई बात नहीं, बस अब आ जाओ फैंस को भी। एक मिनट भाई साहब, मैं इन्वेंट्री में स्पेस ही नहीं बचा लिटरली। क्या फेंकूँ मैं, क्या क्या क्या, ये सीड्स फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेदर भी वैसे कोई ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बट ठीक है फिर भी। और अभी अपन को यहाँ पर टॉर्चेस लगानी पड़ेगी, नहीं तो रात में फिर यहाँ पर मॉब्स वगैरह स्पॉन होंगे। हाँ भाई, कितने काम है गाइस लिटरली। ओ भाई साहब, आ जाओ अपन गाइस घर पे आ चुका है। फटाफट ना अपनी इन्वेंट्री खाली करते हैं यार, कुछ ज़्यादा ही भर गई। एंड नैदर पोर्टल अपन को अलग से बनाना पड़ेगा एक जगह पे। मैं सोच रहा हूँ ना अपने घर के जीने निकाल दूँ भाई, वो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी देखते हैं यार। ये लो, ये बस ये पड़े रहने दो, इसको अभी बना देते हैं। अपन जीने लेते हैं यहाँ से, वैसे जीने बेकार ही लगेंगे, रहने दो।
फूड को पकने रख देते हैं। इस वाली फर्नेस में पकड़ाता है ना वो पका हुआ, उसको भी पकाओ। थोड़ा सा फ्यूल कम पड़ जाएगा इसलिए इसमें से ले लेते हैं कुछ, डाल देते हैं और थोड़ा सा और। ये ले भाई, चाय में पक जाना चाहिए इतना तो। ओ भाई साहब, अपने घर अब काफ़ी भरा है। एंड श्योर कि इनको तो नहीं करना कुछ अपन को काम, इतना भाई इतना सारा एरिया प्लेन हो चुका है, बट इतना अभी काफ़ी नहीं है। अभी अपन को थोड़ा सा और, मतलब ये और उड़ा देते हैं अपन तो, अपना काम हो जाना चाहिए भाई। चलो फटाफट इसको भी उड़ा देते हैं। ओ भाई साहब, कितना टाइम लगा मुझे पूरा स्ट्रक्चर तोड़ने में। एंड देख ही सकते हो मुझे क्या क्या मिला। अरे यार, अब तो ये भी तोड़ना पड़ेगा। और मेरे टूल्स की एक बार हालत देखो भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई, मेरे डायमंड पिकैक्स, एक्स और शवल की हेल्थ देखो। फिर भी अपन को अभी, अपन ने कौन सा स्ट्रक्चर तोड़ा था वो ब्रूइंग स्टैंड वाला, उसका ये भरना पड़ेगा अपन को डट से, नहीं तो बहुत बेकार लगेगा यार। भाई साहब, कितना प्लेन कर लिया अपन ने अभी एक ही वक्त में, और अकेला हूँ भाई मैं। ये नहीं कि एक दो पार्टनर्स भी हो, एक तो मैं बुलाना नहीं चाहता, ये मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड है, कोई वो थोड़ा है सर्वर के मैं सबको बुलाऊँ, इसलिए मैं किसी को बुलाता नहीं उस सर्वर में यार। ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई फिलहाल के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं अभी अपन वापस, अपन को अपनी इन्वेंट्री, इतने सारे कॉलेज का क्या ही करेंगे भाई अपन। भाई अभी तक ये पका, कितना ब्रीफ हो गया आज के, आज मैं अपने पास फटाफट सो जाता, वापस रात हो गई। बिकॉज भाई तीन तीन मून भाई, आसपास देखूं अवेल और छः शांति के लिए। ओके गाइज, अपन पर 28 टॉर्चेज हो चुके हैं, तो आ जाओ इसको थोड़े पूरे में लगा देते हैं, जिसमें रात में ज़ॉम्बी रिस्पॉन नहीं होंगे यार, सबसे अच्छी बात है। इसलिए इसको ना पूरी जगह पर लगा देते हैं, क्रीपर ज़ॉम्बीज वगैरह कोई भी स्पॉन नहीं होना चाहिए अपने इस फ्लैट एरिया में। यहाँ पर अभी मेरे को एक दो घर उड़ाने पड़ेंगे वो। कैसे लगा रहा हूँ भाई मैं, इतना एरिया काफ़ी होगा टॉर्चेस से, मेरी टॉर्चेस भी ख़त्म होने वाली हैं भाई, फिर भी कुछ ज़्यादा ही रोशन हो गया। चलो डन भाई, अब थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। और अपन को नैदर पोर्टल के दर बनाना है, पहले नैदर पोर्टल बना लेते हैं, बिकॉज बात का काम रहेगा तो वो मैं करूँगा नहीं, इससे अच्छा नैदर पोर्टल बना ही लेते हैं। पीछे से रास्ता निकालूँ क्या, पीछे एक मिनट, पहले पीछे देखने जाना पड़ेगा कितना क्या एरिया बचा हुआ है पीछे का, जिससे अपन नैदर पोर्टल निकाल सकते हैं। भाई साहब इधर बनाऊँ नैदर पोर्टल तो कोई दिक्कत तो नहीं है यार, इधर ओ मेरे से बचेगा, चल सपने देख मैं तुझे छोड़ दूँ, मुझे शीप से आका मर्डर नहीं करना है। इधर से थोड़ी सी डट भी निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे अभी इस वाले एपिसोड के लिए काफ़ी है, जैसे सिर्फ नैदर पोर्टल बनाते हैं गाइस एंड देन बस एंड करेंगे एपिसोड को। भाई मैं लिटरली अभी अभी अपना आर्मर देख रहा हूँ, पूरा लाल हो गया। कोई बात नहीं, एक नया बना के एंजॉय कर लेंगे, इतना आयरन होगा अपन पे कि आराम से एक नया बना सके आर्मर। अपन ऑक्सीजन ढूंढना है तो ना, ऑक्सीजन इसमें होगा। अरे मैं कौन से चश्मे रख के गया था ऑक्सीजन मुझे, ओके ये रहा फ्लिंट एंड स्टील। चलो बनाते हैं यार नैदर पोर्टल, और कोई ऑप्शन नहीं अपने पे नैदर पोर्टल। अरे ले आ, नहीं आना आना, अब फालतू के नाम, ये लो भाई लाइट, तू भी जल जा, नहीं आ तू ऐसे क्या पास कैसा है नैदर पोर्टल के, मुझे नहीं जल रहा था। सो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ से प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अपना चैनल देखते रहो।